फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। हर पे तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया और अभी मैं आई हूँ मेरी क्लास में, जहाँ मेरी क्लास है। ये सर मैम की चेयर है और ऊपर ये पीछे मिरर लगा हुआ है, इधर गेट है, पीछे बालकनी है और ये हमारे टेबल्स वगैरह, और उधर सब आर्ट वर्क डिस्प्ले हुए पड़े हैं। पीछे की साइड हो रहा है और ये दो आर्ट रूम हो रहा है। इधर सर का ऑफिस है, जिसकी बैक ऊपर की जो बैक वाली बालकनी है ना, उस वाले से तो और भी अच्छा है। और इधर अंदर, मतलब अंदर की साइड सारी रोड एकदम क्लीन क्लीन है और सुंदर सा लगता है काफ़ी। हेलो बहन, मेरे बिना कैसा गया दिन? मैं तो पूरा दिन बिजी थी, तो मेरा होने ना होने का एक ही बात है। आप वैसे भी कौन सा मेरे साथ रहते हो? और किसके साथ रहते हो? रहने दो यार, आपको मेरी याद भी नहीं आती। मैं तो फिर भी याद बताओ, घर पे मैं नहीं थी, याद मैं करूँ? बताओ, आज की बात है, आप कभी भी मेरे को याद करते हो? आगरा जाती तुमने मेरे से कितने दिन बाद? मेरी बहन ने मेरे लिए खाना बनाया, थैंक यू बहन। इतनी बड़ी बड़ी रोटी, बड़े हो जाओगे ना थोड़ी सी। बड़ी रोटी खाने से कौन बड़ा होता है? यार मुझे चाय पीनी है, सिर दुख रहा है मेरे को, दो दिन हो गया हेडेक के साथ, मेरा हेडेक बंद नहीं हुआ। दबाने से क्या होगा? बहुत तेज तक मैं अब खा रही हूँ सुबह से खाना, बहुत तेज भूख लग रही है। आज मैं एक रोटी फालतू खाऊंगी, और रोटी बनाई मेरी बहन ने, इतनी बड़ी बड़ी और घूमी हुई। हाँ क्या कर रहे तू, यहाँ कैसे आया? अंदर चल, ये देखो अपने आप बाहर आ गया। ये बेकार बेकार गेम्स बता रही हूँ मैं नहीं खेलूंगी कोई भी गेम। मैं खेल चुकी हूँ ऑलरेडी बहुत बार ऑडियंस के साथ। हम देंगे ना तो ऑडियंस के साथ में खेला, हमारे साथ में नहीं। हमारे साथ ऑडियंस, इसमें नहीं रखना इसको, इधर दे। हमारी सच्चाई जान लो। कौन सी सच्चाई? जो ट्रुथ एंड डेयर भी जानते हैं, खेलते किस लिए हैं वो, इसलिए तो खेलते हैं। सच्चाई क्यों, सब क्या विलन होते हैं बाद में ट्रुथ एंड डेयर प्ले करके, फिर क्या सच्चाई निकलती है? सारे सीक्रेट है। कौन से सीक्रेट? अरे हम आज आपके मामा को ज्यादा याद कर रहे थे उस डर के मारे। चार पाँच छह सात आठ, यार उस पे तरस खा लो वो डर जाएगा, छोड़ो उसे नीचे। वो भी इंजॉय कर रहा है। पहले से ज्यादा सॉफ्ट नहीं हो लग रहा है? चाटने की पड़ी है कल इसे, मुझे बहुत तेज काटा, मैंने पेंटिंग बनाई थी, पेंटिंग नहीं बनाई मैंने, बनाए थे मैंने, कलर किया था लीव्स के ऊपर, वो फैब्रिक के कुछ लीव्स थे वो भी हैंडमेड थे। बट अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि जो मैं आर्ट वर्क बनाऊंगी वो देखने के लिए, तो मैं व्लॉग में दिखा दूंगी। बट मुझे ऐसा फील होता है कि मोस्टली लोग, जो लोग व्लॉग देखते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए या फिर मूड फ्रेश वगैरह करने के लिए देखते हैं, तो आर्ट वर्क सुखाया रियर ही कोई देखेगा, इसलिए मैं बहुत कम दिखाती हूँ अपने आर्ट वर्क्स। बता देना अगर देखना होता वो भी दिखा दूंगी मैं, फिर व्लॉग बनाने में आसानी होगी मुझे। सबसे आसान जिंदगी इसकी है, जहाँ मन करता है वहाँ बैठ जाता है। यार भूख लग गई मुझे फिर से और प्यास भी लग रही है। मम्मा तो सो गए और बाकी से चले गए पापा जी की फैक्ट्री में, और मैं बैठी हूँ यहाँ पे अब तक। बताओ आज का दिन काफ़ी सही रहा, बहुत दिन बाद मैंने पेंटिंग की, पेंटिंग भी मैंने दिखाई आपको थोड़ी सी जो कर रहे थे।
ये हमारी पढ़ाकू आ गई। हेलो पढ़ाकू, क्या हाल है? कुछ नहीं, आज कल पेपर है, बस तैयारी कर रही है। कल तेरा एग्जाम है? कौन से सब्जेक्ट का? तैयारी होगी? करूँगी, लेट नाइट पढ़ूंगी। मतलब कौन सा, कैसे एग्जाम है? कच्चे पेपर है, पक्के पेपर है? कच्चे पक्के नहीं होते, कॉलेज में एक ही टाइप के एग्जाम होते हैं। सेकंड सेमेस्टर के, मतलब ये तो स्ट्रांग होंगे ना? स्ट्रांग होंगे, बोलना भी नहीं आ रहा क्या बोलूं, है ना, वर्ड से समझ नहीं आ रहा। मैं ना सही सच बोलू, मैं ना ये सब एग्जाम वगैरह का सीन सब भूल चुकी हूँ। कांटा लगा उई मा। तेरे को अच्छा लगा सॉन्ग? हाँ अच्छा। मैंने तो पूरा सुना नहीं, बट मैंने ना इसके ऊपर बहुत सारी रोस्ट वीडियोस देखी है। मतलब जहाँ देखो यूट्यूब ऑन करते ही बस यही आ रहा है, कांटा लगा उई मा, रोस्टेड बाय दिस, ये वो। एक वो जो पता नहीं कौन है, वो चमकांडी बोलता है ना, वो इंस्टा पे बोलता है, वो ऐसे चमकांडी वर्ड यूज करता है, वो मेरे को सुना। पवार नहीं, इवन मैंने भी कांटा लगा सॉन्ग रोस्ट वीडियोस देखने के बाद सुना। सीरियसली, इसलिए एक बात बोलूं, चाहे लिरिक्स कैसे भी थे, उसके अंदर हनी सिंह और नेहा दीदी थे, और मतलब फनी तो था सॉन्ग, जैसा भी था इंजॉयबल तो था ना। चाहे लिरिक्स कैसे भी थे, इंजॉयबल तो था, इंजॉय कर सकता है वो, एक इंटेंशन हो जाती है। इवन जिस चैनल पे वो सॉन्ग है ना, उसमें इस वन वीक के अंदर 61 मिलियन, अभी जब मैंने देखा, आज ही देखा मैंने सॉन्ग, 61 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, और बाकी जो दूसरे सॉन्ग हैं उन पे 30-40 ऐसे कुछ व्यूज है, जो कि बहुत पुराने हैं। बताओ, मतलब रोस्ट कर करके उन्हीं को पॉपुलर बना रहे हो, हेट भी अच्छे से नहीं करते लोग, और कमेंट्स बाकी जो भी है, अगर आपके उनको हेट कर रहे हो ना, तो वो ये तो देख लो आप कैसे इंसान को हेट कर रहे हो। ये जो लोग कमेंट के अंदर जाके बोल रहे हैं ना टोनी भैया को कि लिरिक्स ऐसे है या ये ऐसा है ये वैसा है, तैसे भी कह रही हूँ मैं तो ऐसा कि जो लोग डिसलाइक कर रहे हैं ना, मैंने सुना ही नहीं है सॉन्ग एक्चुअली में। मैंने बस ना रोस्ट, मतलब किसी ने मेरे पास सेंड करी थी कि कांटा लगा हुआ, मुझे तो ये बल्कि अभी पता चला कि ये सॉन्ग था, जब मैंने यूट्यूब ऑन किया तब पता चला कि सही में ये सॉन्ग है। तो वो कांटा लगा उइमा सॉन्ग 60 बार, चाहे जो भी है यार, कैसा भी है, मतलब अगर आप कहीं जाके कमेंट करो ना, पहले तो कोई क्रिएटर, चाहे जो भी है, चाहे बड़ा सा बड़ा क्रिएटर है, छोटे से छोटा क्रिएटर है, सबकी एक्सपेक्टेशंस होती है अपने वर्क को लेके, चाहे कितना बड़ा आर्टिस्ट हो, कि हाँ उसे अप्रिशिएट किया जाएगा। मतलब और डिसलाइक भी वो लोग कर रहे हैं जिनके ना, मतलब मोस्टली तो ऐसे होंगे जिनके खुद के पास कुछ नहीं होगा, जो खुद जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे, जो खुद नहीं कर सकते ना, वही बोलते हैं, जिनको पता होता ना कि कितनी मेहनत करते हैं हम, कितना कर रहे हैं, वो बोलेंगे भी नहीं वैसे भी, उनको खुद को वैल्यू होती है टाइम की। ये देखो घास लेके आइए रात को रैबिट के लिए, खिला दो उसको। बात इसने बिल्कुल सही बोली है, जिन लोगों को वैल्यू नहीं पता होती ना चीजों की, किस चीज को करने में कितना टाइम लगा है, वो इंसान भी तो कुछ करके मेहनत करके उस जगह पहुंचा है ना। अब मिलियंस में व्यूज लाना किसी के, मतलब ऐसा तो है नहीं, एक बार में हो जाएगा यार। अपने पहले तो मैं ये कहती हूँ कि अपने काम से काम रखो, क्योंकि इतना टाइम मिल ही कहाँ से जाता है लोगों को, किसी को डिमोटिवेट करने का, किसी को क्रिटिसाइज करने का, वही यार, क्योंकि अब सिर्फ अपने करियर पे ही बंदा ध्यान देने लग जाए ना, जिंदगी ऐसे निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा, और लोगों को क्रिटिसाइज करने का टाइम मिल जाता है, बड़े बड़े मैसेजेस। सीधी बात यही है ना बहन, जो खुद के सामने आके नहीं कर सकते, वही पीछे बैठ के बोलते, वो पीछे बैठ के बोलने वाले बंदे तो है। मेरे पास तो मोस्टली मोटिवेट करने वाले और अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं, और मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ, चाहे हूँ कैसे भी हरकतें करती हूँ, बट एक्चुअल रियल लाइफ में मैं ऐसी हूँ। इवन जो मेरी स्टूपिड हरकतें होती है ना, वो तो काफ़ी ज़्यादा मिस भी हो जाती है, क्योंकि उस वक्त हाथ में मेरे कैमरा नहीं होता। काटा लगा उइमा 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 ये दे उइमा, हाँ ठीक है, हाँ और ये दे हमारी होती है, उसने पोटी कर दी। हाँ कौन सी पैर है इसको? मैं टेप गुम थप्पड़ याद है मेरा? नहीं, मैंने दो बार टेप मंगाई थी। दो बार टेप मंगाई, एक बार में नहीं लगाई, छोटी छोटी थी वो।
छोटी दो बार थप्पड़ लगाऊं फिर मैं कहूंगा एक बार भी नहीं लगा वो क्यों क्यों जब दो बार टेप लगा मंगाई तो लगाई क्यों नहीं करते क्योंकि जाप चल रहा है बुला रहे दादी बिल्कुल बड़े बड़े दादी अच्छा पापा जी ने पूजा कर रहे इसलिए उन्होंने शेविंग नहीं की पूजा तो वो डेली करते हैं जाप कर रहे हैं दूसरी वाली पूजा कर रहे हैं पापा जी ए भगवान इस पर कर दे दो मम्मा बाय किथे मत जाओ जहाँ से आप मुझे लेकर आए थे उठा के हाँ कचरे के डब्बे से कांटा लगा उइमा 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 जो गंदे बच्चे होते हैं क्या करना चाहिए उसका कान एक थप्पड़ लगाना चाहिए पापा जी उसका कान सूख जाया ये छोटी सी बच्ची है नाजुक सी मेंढकी नाजुक सी है ये वही छोटी बोल रही मुझे हाँ वही कह रही हूँ मैं छोटी सी अरे बबल फूट गया खुद मत निकल जाइए उसमें से कहीं पीछे से निकल जाए मेरे को तो ना मेले में फुलाने में मजा आ रहा था इसको जब बड़े वाला फुलाऊंगा हाँ दूसरे को मुंह पर अपना थूक भेजने में थूक थोड़ी है फूक के साथ थूक नहीं जाता नहीं फूक फूक हवा होती है फूक थूक नहीं होता पानी और हवा में फर्क होता है बड़े वाला उसमें मिक्स होकर नहीं जाता जो फूक मार दे नहीं होता मिक्स नहीं होता तभी वैसे बिना हवा के कैसे फूलेगा वो एक सेकेंड अगर थूक मैं उसके साथ थूक जाएगी हाँ हवा के साथ जा नहीं अगर थूक जाएगा तो वो नीचे गिरेगा ना क्योंकि पानी भारी होता है तो वो नीचे गिरेगा आगे थोड़ी जाएगा आगे ये कैसे ये बिना पानी के बुलबुले हो रहे मुझे नहीं साबुन और पानी तो है और है क्या तो साबुन है ना तो बिना पानी के साबुन हो जाएगा साबुन उठ जाएगा ऐसे मुझे नहीं पता आप क्या बेटा कल मम्मा देखेंगी व्लॉग तुम दोनों की पिटाई लगेगी रात को 11 बजे इनका मेकअप हो रहा है और ये देखो कैसे देख रहे हैं इनको कांटा लगा उइमा 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 कांटा लगा फ्रेंड्स आज के व्लॉग में इतना ही होप आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मीट यू नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय